है दोस्तों, एजुकेशन विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर कंट्रोल फ्रेम के बारे में, और इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फीचर कंट्रोल फ्रेम होता क्या है। देखो, फीचर कंट्रोल फ्रेम किसी भी ज्योमेट्री के किसी फीचर को एक कंडीशन और एक टॉलरेंस प्रोवाइड कराता है, ताकि हम उस ज्योमेट्री के फीचर को कंट्रोल कर सकें, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास अगर एक ज्योमेट्री है, और इस ज्योमेट्री में एक रेफरेंस के लिए मैं एक डेटम देता हूँ, राइट, और इसमें एक डायमेंशन प्रोवाइड कराता हूँ जो कि 50 mm का डायमेंशन है। तो इस 50 mm के डायमेंशन को मुझे बताना है कि भाई ये कंट्रोल होना चाहिए विद द डेटम ए। तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है विद द टॉलरेंस 0.05, मतलब 50 μ, ठीक है, विद द डेटम ए रेफरेंस, ठीक है। तो डेटम ए के साथ ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंट्रोल फीचर फ्रेम शो करता है, राइट। समझ नहीं आया, ठीक है। तो कंट्रोल फीचर फ्रेम को हमको थोड़ा सा और एलोबरेट करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ द फीचर कंट्रोल फ्रेम। देखो, फीचर कंट्रोल फ्रेम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पूरा का पूरा मैं फीचर कंट्रोल फ्रेम को यहाँ पर रखा है, राइट। इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करता हूँ जो है 50 का डायमेंशन, ठीक है। मतलब 50 की जगह आप किसी भी डायमेंशन को ले सकते हो। यहाँ पर मैंने डायमीटर लिया है, तो यहाँ पर आप ये लीनियर डायमेंशन भी हो सकता है, रेडियस भी डायमेंशन हो सकता है, किसी भी तरह का डायमेंशन हो सकता है विद द टॉलरेंस, ठीक है। तो प्लस माइनस 0.1 इज द टॉलरेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या डायमेंशन रहेंगे भाई, सभी चीजें रहेंगी इसके अंदर। ये नोमेनक्लेचर रहेंगे इसके, राइट। तो एक एक करके समझते हैं कि भाई किस सिंबल को या फिर किस जो भी हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक बनाया है उसको हम लोग क्या कहते हैं। सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बेस डायमेंशन एंड द टॉलरेंस, ठीक है। तो बेस डायमेंशन और टॉलरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि उस बेस डायमेंशन और टॉलरेंस पे ही हम लोग कंट्रोल फीचर फ्रेम को लगाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है लीडर एरो। तो लीडर एरो जो है वो शो करता है कि किस फीचर पे हम कंट्रोल फीचर फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सिंबल ये शो करता है कि वहां पर हम किस तरह की ज्योमेट्री को वहां पर कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर टाइप की है ज्योमेट्री, या फिर हम लोगों को पैरेलल बनाना है किसी दो फेस को या फीचर को, राइट। तो वहां पर हम लोग उस सिंबल को यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। अब उस सिंबल से रिलेटेड टॉलरेंस, तो दिस इज द टॉलरेंस वैल्यू विच इज द 0.05 50 μ। तो यहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको टॉलरेंस वैल्यू शो कर रहा हूं। तो यहां पर है टॉलरेंस मॉडिफायर। टॉलरेंस मॉडिफायर मतलब मुझे यहां पर मटेरियल छोड़ना है कुछ, या फिर मुझे मटेरियल नहीं छोड़ना है। तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन यहां पर हो सकती है। यहां पर मुझे तीन डेटम नजर आ रहे हैं, ए, बी और सी। तो यहां पर जो ए डेटम है वो है प्राइमरी डेटम फीचर, मतलब इस एक डेटम के रेफरेंस में मैं किसी ज्योमेट्री को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर सेकेंडरी रेफरेंस भी देता हूँ, सेकेंडरी डेटम के लिए फीचर देता हूँ, तो मैं उसके दो डेटम्स के रिस्पेक्ट में भी मैं किसी ज्योमेट्री को कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। तो इसी तरह से टर्शियरी डेटम फीचर जो है, तो तीन डेटम के रिस्पेक्ट में भी किसी ज्योमेट्री को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी हम लोग फीचर कंट्रोल फ्रेम की बात करते हैं ना, तो कुछ चीजें समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से दो चीजें हैं वो है डेटम और टॉलरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द डेटम। देखो, डेटम मतलब क्या होता है। डेटम मतलब होता है कोई भी एक प्लेन हो सकता है, कोई स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, ठीक है, जो कि हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी डायमेंशन में अगर फीचर कंट्रोल फ्रेम दे रहे हो, तो वहां पर आपको डेटम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ISO स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। यहां पर मैंने आपको बताया है कि भाई कुछ ब्लॉक्स हैं, सिलेंडर है, 2D में मैंने आपको कुछ डायग्राम बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए, दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेटम। तो यहां पर ये प्लेन भी हो सकता है, सी, दिस इज नथिंग बट प्लेन। यहां पर एक सर्कुलर सेक्शन है, तो ये भी एक डेटम हो सकता है। यहां पर एक सेंटर एक्सिस है, इस सेंटर एक्सिस को भी हम लोग डेटम में ले सकते हैं। और यहां पर दो एक्सिस के बीच में एक पॉइंट है, उसको भी हम लोग ले सकते हैं किसमें, डेटम में, राइट, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टॉलरेंस। देखो, टॉलरेंस क्या होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक डेफिनेशन है, देखो, टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर ये एक ब्लॉक बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लेक लीनियर डायमेंशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल साइज बता रहा हूं मैं, विच इज द 50 mm, ठीक है। तो टॉलरेंस कुछ नहीं होता, टॉलरेंस बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच का एक डिस्टेंस होता है ना, डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी भी साइज को अगर बनाना चाहूं, तो मैं कभी भी उसको 0-0 पे नहीं बना सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर क्या दिया, एक डेटम ए दिया। इस रेफरेंस से अगर मैं 50 mm का डायमेंशन अगर बनाना चाहता हूं, तो इसको मैं कभी 0-0 नहीं बना पाऊंगा। या तो ये 0 बनेगा, या तो ये थोड़ा ज्यादा बनेगा, या तो थोड़ा सा कम बनेगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग कभी 0-0 नहीं हो सकती, विच इज द पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। और अब एक काम करते हैं,
हम लोगों ने इसका मैक्सिमम क्या बन सकता है वो चीजें हम लोग जरा देखेंगे, ठीक है। एक नोट लिख लो कि एक्चुअल साइज वी कैन नॉट प्रिपेयर, कभी भी एक्चुअल साइज को हम लोग नहीं बना सकते, राइट, ठीक है। अब देखो जैसे सीएनसी टर्निंग ऑपरेशन जब हम लोग किसी रॉड को बनाने के लिए करते हैं तो सीएनसी टर्निंग से ही क्या होगा, ये रॉड बनेगी, राइट, ये सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट हुआ तो यहां पर मुझे पार्टिंग ऑफ करने के बाद मुझे कुछ एक डायमेंशन मिलेगा, राइट। तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई मेरी रॉड जो बनी वो थोड़ी सी ज्यादा बनी, तो मतलब 50 mm प्लस 0.1 मतलब 50 mm से 100 माइक्रोन ज्यादा बनी, विच इज द मैक्सिमम लिमिट, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर ये जो मैक्सिमम लिमिट दिख रही है आपको, ठीक है, अब मैं दूसरी बार फिर से मशीनिंग करता हूं किसी दूसरी रॉड की, तो वो बना 50 mm माइनस 0.1 मतलब वो 50 mm से 0.1 कम बना, विच इज द मिनिमम लिमिट, राइट। अगर इन दोनों के बीच में अगर मेरे डायमेंशन आते हैं, अगर इन दोनों के बीच में अगर मेरे डायमेंशन आएंगे तो वो सही रहेगा, राइट। तो एक कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, जैसे मैक्सिमम लिमिट जो है हमारे रॉड के लिए 50.1 थी, राइट, मिनिमम लिमिट थी जो है 49.9 थी, राइट। तो अगर मैंने बोला कि भाई व्हाट इज द टॉलरेंस, तो टॉलरेंस मतलब हुआ मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, ठीक है। तो टॉलरेंस देख लेते हैं भाई, 50.1 माइनस 49.9, राइट, तो टॉलरेंस जो हुआ वो हमारा 0.2 हुआ। अगर 0.2 mm के बीच में अगर हमारा साइज अगर निकलता है तो विच इज द एक्सेप्टेबल लिमिट, जो रहेगा वो एक्सेप्टेबल लिमिट रहेगा, तो दिस इज द टॉलरेंस, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।